इनको झरना दिखा तो बस देखिए हाँ हाँ वीडियो स्टेटस पहले लगा लो, वीडियो पहले बना लो। जब सौरभ भाई को हम पकड़ेंगे ना तब मजा आएगी। कैसे हो दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नया सफर। तो फाइनली आज का जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सौरभ जोशी नाम तो सुना होगा। हम लोग चैलेंज ले लिया कि वो मतलब जैसा कि आप जानते हैं अभी वो ट्रिप पे निकले हैं, घर से कहीं ट्रिप पे गए और हम दोनों ले लिया चैलेंज कि जाएंगे उनको पकड़ेंगे रास्ते में, देखते हैं कहाँ मिलेंगे। पहाड़ों के बीच से घूम ढूंढ के लेके आएंगे। तो भाई बहुत ही यार टफ चैलेंज ले लिया, क्योंकि भाई किसी को ढूंढना कोई नंबर नहीं। हमारा यहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर है, 600-700 किलोमीटर बाइक से जाएंगे वो अपने थार से। तो भाई फाइनली बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, दिलचस्प होने वाला है, चैलेंजिंग वीडियो होने वाला है। सौरभ जोशी को भाई ढूंढना है चाहे जो हो जाए भाई, क्या पकड़ लेंगे भाई को। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि भाई तहलका होना है इस ब्लॉग पे। ढूंढेंगे भाई, बच के नहीं जाएंगे सौरभ जोशी। चले तो भाई हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। अब देखते हैं मंजिल हमें कहाँ मिलती है और हमें सौरभ भाई को पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, ये तो पूरे व्लॉग में समझ में आएगा। तो भाई हम लोग निकल पड़े हैं, ऐसे ऐसे रास्ते थे जिसको देखकर दिल एकदम से भाई लगा कि हम कहाँ आ गए, लिटरली मतलब कहाँ आ गए भाई। तो भाई रास्ता इतना ज्यादा खराब था यहाँ पे, और हम यहाँ से निकल रहे थे जहाँ पे शेर टाइगर सब लोग यहाँ पे रहते, जंगल के बीच जा रहे थे, लेकिन रास्ता उतना ज्यादा खराब था। ओह माय गॉड, ओ भाई साहब इतने सारे बंदर, ए बंदरवा। तो भाई ढूंढते ढूंढते हम आखिरकार टनकपुर आ चुके हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ढूंढने से तो ऊपर वाला ही मिल जाता है। तो ये तो फिर सौरभ भाई है। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना है बराबर, ठीक है। करीब 300-400 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी इतना ही से जाना है, 200-300 किलोमीटर और, क्योंकि वो जहाँ पे है ना भाई बहुत खतरनाक जगह, जैसे आपने व्लॉग में देखा होगा सौरभ भाई कहाँ चल रहे हैं। तो हम लोग पीछे कर रहे हैं, हमारी बाइक जितना चल सकती है चल रही है, ठीक है। तो भाई मजा आने वाले, छोड़ेंगे नहीं सौरभ भाई को, चाहे जहाँ घुसे रहे हम लोग भाई मिल के रहेंगे। अब फॉलो करे, चैलेंज लिया है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे भाई। अब लिया तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई सौरभ भाई से मिलना है, और भाई टनकपुर पहुँच चुके हैं और यहाँ से सीधा बॉर्डर मिल जाएगा, उत्तराखंड बॉर्डर, और उसके बाद सीधा हम लोग निकल पड़ेंगे जहाँ सौरभ भाई इस टाइम है, क्योंकि हमने सब कुछ डिटेल निकाल ली, कहाँ पे वो स्टे कर रहे थे, किस होटल पे थे, कहाँ पे पेट्रोल पंप में तेल डलवाया, सब कुछ पूरी डिटेल निकाल लिया भाई। तो लिफ्ट ही देखते हैं क्या होता है, बाकी ढूंढने से ऊपर वाला मिल जाता है। तो ये तो सौरभ भाई हैं, बाकी आप लोग तो फिर हाई हैं, ठीक है। तो फटाफट यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा हमने कहा पानी ने पीते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं, क्योंकि लंबा सफर है, पानी तो जरूरी है भाई। देखिए गाइस कितना खतरनाक मोड़ है ये, देखिए ओ भाई बहुत ही खतरनाक मोड़ था। बाप रे क्या भाई चढ़ाई है, देखिए गाइस ये देखिए भाई, क्लच चले ले क्या, क्लच चले ले क्या, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ओ भाई क्या क्या चढ़ाइयां है भाई यहाँ पे, ये देखिए लगता है पंगा गलत हो गया। ओ भाई गौरव भाई ये देखिए गाइस, ये देखिए ये देखिए, सब बारिश में कितना खराब हो गया, ये देखिए सब बारिश में खराब हो गया, और ये ऊपर से पत्थर गिर भी सकते, ये देखिए बहुत ही खतरनाक रास्ता है गाइस, ये देखिए ऊपर देखिए, ये देखिए ये बारिश में ये गिर जाते हैं भाई, दुर्घटना घट जाती है, ये देखिए ऊपर जाना है, अब इस वाली ऊपर से रास्ता होगा वहां से, ये देखिए गाइस कितना खतरनाक रास्ता है, थोड़ी से भी ऊपर से कुछ हरारत हुई और यहाँ पे दुर्घटना घट सकती है, देखिए पत्थर गिरे पड़े हुए, ये देखिए नीचे देखिए नीचे, और वहां से हम लोग, ये देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, ये देखिए बस और पे सावधानी बरतना पड़ता है, ये देखिए प्यासे इंसान को पानी लेने जा रहा कहाँ।
आराम से जाना, मतलब प्यास इतनी तेज इनको लग गई और यहाँ पे इनको झरना दिखा तो बस देखिए। हाँ हाँ, वीडियो स्टेटस पहले लगा लो, वीडियो पहले बना लो। ये देखिए गाइस, क्या बताया जाए लोग। तो गाइस देख सकते हैं कहाँ पे जा रहा है बंदा पानी पीने के लिए। वो देखिए पानी, देखिए वहाँ ऊपर से पानी आ रहा है। ओ भाई, जूम कर दूं क्या मैं थोड़ा सा? ये देखिए, ओ भाई ये देखिए, देखिए कहाँ चले जा रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं। हाँ पानी भर लो, पानी भर लो। ये देखिए गाइस, पानी ऊपर से आ रहा है, ये पानी बंदा प्यासा हो गया है, इनसे रहा ना गया। ये देखिए। तो भाई बस मज़ा आने वाली है, बस हम पकड़ने वाले सौरभ भाई को। कुछ ही दूर बाकी है, क्यों? क्या लगता है? पता नहीं, मिले तो नहीं मिले, लेकिन मिलेंगे। ये तो मैं अगर हमने ठान लिया तो फिर भगवान भरोसे है। अब चैलेंज किया है तो भाई हमारा साथ देगा ऊपर वाला, ठीक है? ढूंढने से ऊपर वाला मिल जाते तो सौरभ भाई है फिर, बात तुम करिए आप। तो भाई मजा आएगी भाई, जब सौरभ भाई को हम पकड़ेंगे ना तब मजा आएगी। आप लोग कितना एक्साइटेड है आप बताइए, कि मतलब हमने एक चैलेंज किया क्योंकि सौरभ भाई जो है टूर पे निकले, तो हमने सोचा कि यार कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है भाई, क्योंकि रूट तो एक ही है ना, हमें सब कुछ पता है कि कहाँ पे वो ठहरे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो हमने कहा चलिए कुछ अलग करते हैं, उनको पकड़ते हैं। तो फाइनली आधी मंजिल पा चुके हैं और आधी और बाकी है, और देखते हैं वो मंजर कब आएगा जब हम सौरभ भाई से आपको मिलवाएंगे। तो वेट करिए, मज़ा आने वाला है, दिलचस्प रास्ता, दिलचस्प सफ़र है, क्योंकि ऐसे रास्ते हैं गाइस जहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ी पहाड़ है भाई, झरने बड़े बड़े दिखने वाले हैं, तो मज़ा आने वाली है। तो फटाक से अपना सफर तय करते हैं। व्हाट अ व्यू गाइस, देख सकते हैं क्या व्यू है। वो देखिए, वो छोटी सी गाड़ी दिख रही है आपको, देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए, छोटी सी बाइक दिख रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। हम लोग कहाँ पर पहुँच गए हैं गाइस, देख सकते हैं आप इतनी ऊपर, क्या शानदार व्यू। ये देखिए व्यू, देखिए आप छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ से, यहाँ से एक रास्ता गया, वो देखिए ये गाड़ी जा रही है, ये जा रही है, जा रही है, देखा क्या व्यू है भाई शानदार। ये देखिए गाइस, ओ भाई सही है, मज़ा आ गया भाई, कसम से दिल खुश हो गया, क्या शानदार व्यू है। ये देखिए, ओ भाई क्या व्यू है गाइस, मेरे पीछे देख सकते हैं आप कितना शानदार व्यू है यार। मतलब यार चैलेंज था कुछ और, देखने को मिल रहा है खूबसूरती। खूबसूरती हमें नहीं लोगे? अरे आ जाओ भाई, बहुत तगड़ा नजारा, मजा आ रही है। छोटी छोटी बाइकें दिख रही हैं, एकदम कार एकदम छोटी छोटी, देखता है एकदम वो उसकी प्लास्टिक क्यों। बहुत पहाड़ में ऊपर आए। लेट्स सी भाई, देखिए कितना शानदार व्यू भाई। तो फटाफट चलिए निकलते हैं, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है, सौरभ भाई भी दूर है। देखते हैं अभी क्या होता है मंजिल में, बाकी मंजिल को तो बनाना पड़ता है, चलते हैं फिर, क्योंकि हर चीज को हमें कवर करना पड़ता है। भाई पुल बनाया, ओ भाई आराम से बनाया जा रहा है, बहुत ही खतरनाक है, देख सकते हैं। ओ भाई ये देखिए, बहुत ही खतरनाक। तो फाइनली गाइस ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ गया भाई। सुबह के 6 बजे हम लोग निकले हैं और शाम के अभी 6 बज रहे हैं, तब हम जाके आ पहुंचे हैं पत्थर घाट। क्या क्या पहाड़े थी, क्या पहाड़ के नीचे, मतलब पहाड़ के हमने नीचे से स्टार्ट किया था यहाँ से, और हम जाके यहाँ टो में जाके यहाँ से मुड़ के यहाँ आ गए एकदम ऊपर। गाइस आपने वीडियो में देखा, हम लोग नीचे स्टार्ट किया था, पहाड़ कहाँ दिख रहे थे, लेकिन हम एकदम से ऊपर पहुंच गया जाके, अब जाके यहाँ पे आए पत्थर घाट में। और यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड है ना, आगे तो बर्फ गिरने वाली है, वो तो व्लॉग में आपको दिख जाएगा, आगे बर्फ गिरने वाली है। और रही बात सौरभ जोशी, तो भाई चैलेंज तो बड़ा दिक्कत ले लिया हमने, नहीं लेना चाहिए था। अब देखते हैं सौरभ जोशी आसपास होंगे, लेकिन मिलते हैं ट्राई करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, आप जानते हैं। तो फाइनली अब मैंने रूम ले लिया, आपको मैं दिखा दूं रूम कैसा है हमारा। ये देखिए ये हमने रूम लिया है, क्योंकि भाई अब हमसे चला नहीं जा रहा था। बताइए कमेंट करके रूम कैसा है भाई। ये देखिए सामान वामान सब पड़ा हुआ हमारा, ये देखिए हमारा रूम है, ये देखिए।
तो फाइनली रूम ले लिया है, सोएंगे भाई। बहुत पैर दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है हाथ पैर, नींद भी आ रही है। अब सौरभ जोशी भाई को कल देखते हैं कहाँ क्या मिलेंगे, और मुझसे मिल ही जाएंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं।